हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो इस वीडियो में हम लोग बातें करेंगे आपको कितना रुपया पेनल्टी देना पड़ेगा या फाइन देना पड़ेगा जब आप BTS छोड़ देते हैं और MBBS में एडमिशन लेते हैं। क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट जो मतलब मार्जिन में है, जिसका मार्क उसको MBBS में मिलेगा या नहीं, या जिसको MBBS में नहीं मिलेगा वो मतलब BTS में एडमिशन लेता है। सो मतलब नेक्स्ट ईयर वो मतलब अगर एग्ज़ाम देते हैं तो अगर एग्ज़ाम अच्छा होता है तो MBBS में सीट मिल जाएगा, फिर और उसको BTS छोड़ के MBBS में जाना होगा। सो जब वो BTS छोड़ के MBBS में जाएगा तो उस कॉलेज में कितना फ़ाइन देना पड़ेगा उस बारे में इस वीडियो में बातें करेंगे। सो वीडियो तक लास्ट तक देखिए तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कितना रुपया फ़ाइन देना पड़ेगा। सो मेरा एक दोस्त था जिसको 2020 में AMC में MBBS मिला, लेकिन उसको 2019 में भी मतलब AMC का जो डेंटल हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट डेंटल हॉस्पिटल डिब्रूगढ़ में, उसको BTS मिला था और उसने एडमिशन लिया था। और एडमिशन के बाद फिर वो खुद से पढ़ाई किया और मतलब कोचिंग भी लिया था, शायद कोचिंग भी लिया था और खुद पढ़ाई किया, वहाँ से मतलब आ गया था, कोचिंग किया फिर से। फिर 2020 में उसको मतलब वो मिला MBBS में मिला। फिर MBBS में मिलने के बाद वो मतलब BTS छोड़ के MBBS में एडमिशन लिया। तो मैं उससे पूछा था कि कितना फ़ाइन दिया, मतलब कितना पेनल्टी दिया, लेकिन उसने बोला कि अभी जो रिसेंटली जो गवर्नमेंट ने रूल बनाया है उसके हिसाब से कोई फ़ाइन देने का ज़रूरत नहीं है। अगर BTS से आप MBBS में जाते हो कोई फ़ाइन देने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसको एक अपग्रेड माना जाता है। सो अगर आप BTS से MBBS लेते हो तो उसके लिए कोई फ़ाइन देना नहीं पड़ेगा, लेकिन आप अगर BAMS से MBBS में आना चाहते हो तो आपको कुछ फ़ाइन देना पड़ेगा, पेनल्टी देना पड़ेगा। सो उस बारे में डिटेल्स में और वीडियो मतलब किसी और वीडियो में बातें करेंगे। सो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।